देखो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका यूज़ क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है मार्केट में, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमने पढ़ भी लिया, हमें आ भी गया, हमने रिसर्च भी कर ली, हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस वो लोगों के लिए कैसे फेवर में है, बिकॉज साइंस का सबसे अच्छा यूज़ है जब वो लोगों के काम है, जब वो मैनकाइंड के फेवर में करे। तो हमारा पर्पस क्या है, इन फेवर ऑफ मैनकाइंड, ऑर्गेनिजम्स के फेवर ऑफ कैसे करेगी। हमने कंपाउंड्स बना लिए बट उसको कोई यूज़ ही नहीं है, वो टॉक्सिक के लिए यूज़ हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हम पढ़ क्यों रहे हैं, वट इज़ द यूज़, वट आर द एप्लीकेशन इन फेवर ऑफ मैनकाइंड, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर। बहुत सारे हैलोजन कंपाउंड्स है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचर में अपने आप ही पाए जाते हैं और उनको हम मेडिसिनली यूज़ करते हैं, मेडिसिनली मतलब एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एज नेम इंडिकेट हेलो, हेलो वर्ड बच्चे आया है हेलोजन से, हेलो वर्ड आया है हेलोजन से। हेलोजन हम बोलते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, ग्रुप 17 में एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन। मैंने पढ़ा हेलोजन, अब इसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन। नाम देखो क्या लग रहा है इसका, क्लोरोमाइसिटिन, नाम से पता लग रहा है इसके अंदर क्या ऐड है, क्लोरीन ऐड है। तो क्लोरोमाइसिटिन जो है ना वो बच्चे वो एक एंटीबायोटिक है, ये क्लोरोमाइसिटिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम आ रही है। आप इसके ऊपर देख भी पा रहे हो आई ऑइनमेंट, मतलब आई के अंदर किसी को मान लो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जो केमिकल्स पढ़ रहे हो, छोटे मोटे केमिकल्स नहीं पढ़ोगे आप, क्लोरीन फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स पढ़ोगे, कार्बन तो होगा इसी उनके अंदर क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, तो इतने यूज़फुल है। मतलब जो एंटीबायोटिक बनती है ना, जो दवाइयाँ बनती हैं, इन सब के अंदर ये केमिकल्स होते हैं। मतलब आप इतने अच्छे केमिकल्स पढ़ो जिससे कि कई सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर बैक्टीरिया मरेगा तो इंसान बचेगा। तो अगर कोई पूछ ले क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो आप बोलना क्लोरोमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसिटिन एक एंटी बायोटिक है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है। अब आपके लिए वर्ड क्लोरीन वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पेपर में क्वेश्चन आएगा क्लोरोमाइसिटिन के अंदर कौन सा हेलोजन है, आप बोलोगे क्लोरीन। हेलोजन तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, लेकिन क्लोरोमाइसिटिन एज नेम इंडिकेट क्लोरो, एंड क्लोरो वर्ड कम्स फ्रॉम क्लोरीन। क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट इज क्लोरोपेनिकल, दैट इज़ ऑल्सो एंटीबायोटिक। और फिर ये बनती कैसे, हमने पढ़ा हम जो भी केमिकल्स पढ़ेगी नेचुरली भी ये पाए जाते हैं सोयल के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं छोटे मोटे नहीं होते, वो ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक बनाते हैं। सोच के देखो, मान लो सोयल के अंदर एक बढ़िया सा बैक्टीरिया है, अब आप कहोगे क्या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है और वो बैक्टीरिया को ही मारता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ जी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्या बंदे बैक्टीरिया डालेंगे, नहीं, हम उसका केमिकल पता लगा लेंगे, केमिकल दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लैब में खुद बना लेंगे और दवाइयाँ बना के बेच देंगे। अब आप कोई भी दवाई खाते हो उसमें होते तो केमिकल्स ही है, मतलब बनाने के लिए पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप फार्मा पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ही है सारी की सारी यहाँ पे दवाई के पीछे, दवाई क्योंकि एक केमिकल ही तो है, तो इसलिए केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी यूजफुल। कोई डॉक्टर दवाई दे रहा तो उसको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्लोरोमाइसिटिन है चाहे क्लोरोपेनिकोल है, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स रहती है जो टाइफाइड फीवर को ठीक करने में भी काम आती है। टाइफाइड फीवर बेसिकली बैक्टीरिया कोज करता है। टाइफाइड फीवर कौन कोज करता है, बैक्टीरिया कोज करता है। साल्मोनेला टाइफी नाम का होता है, नाम चाहिए याद मत करो, केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा, बायो में पूछा जाएगा। टाइफाइड, अब ये बैक्टीरिया खतरनाक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लेकिन इसको मारना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए हमें, एंटीबायोटिक चाहिए, वो भी सोयल के अंदर बन रही है, सोयल के बैक्टीरिया बना रहा है, क्यों ना हमें उसका फॉर्मूला पता लग जाए, हम लैब में खुद बना के लोगों को दे देंगे, जरूरी थोड़ा ना। मान लो एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया तो हर जगह पाया जा रहा है, मान लो इंडिया में हो रहा है टाइफाइड होता है, लोगों को सुना भी होगा आपने आसपास टाइफाइड होता है, लेकिन मान लो इंडिया के अंदर सोयल के अंदर टाइफाइड ठीक करने वाला बैक्टीरिया नहीं है, केमिकल नहीं है, तो मतलब यहाँ के लोग तो बच ही नहीं पाएंगे फिर। लेकिन मान लो इट्स हम सिर्फ लेट कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर वो बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है टाइफाइड को मारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पता लग गया, आज के टाइम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम किसी भी केमिकल का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं, टेक्निक्स है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता लग गया तो हम उसको लैब में क्या कर लेंगे, सिंथेसाइज कर लेंगे उस केमिकल को। उस केमिकल को सिंथेसाइज करने के लिए बच्चे को प्रॉपर नॉलेज चाहिए केमिकल कंपाउंड्स की,
कि एक कार्बन है तो कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, कितने बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन वन बॉन्ड बना सकता है। जब आपको पूरे केमिकल की डिटेल में नॉलेज होगी तभी आप कोई केमिकल बना सकते हो ना, चाहे लैब है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी है, जब आपको उसकी नॉलेज होगी। और नॉलेज स्टार्ट होती है आपकी अब, कब आप पढ़ रहे हो बट आपको पता ही नहीं यूज़ किया तो पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो ये एप्लीकेशंस है, ये चैप्टर छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, चैप्टर के अंदर अगर आप रिसर्च करते हो ना तो शायद मिलियंस की लाइफ बचा सकता है अगर आपको एक ऐसी एंटीबायोटिक बना दो। डेंगू के कारण बहुत लोग मरते हैं, डेंगू की प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। आप में से कोई बच्चा रिसर्च करके डेंगू की प्रॉपर मेडिसिन बना दे तो शायद कितने लोगों की जान बचा लो। बस ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, वो केमिकल रिलीज करेंगे, टाइफाइड ठीक हो जाएगा। अब आपको देख रहे हो एक ये गोइटर की फोटो है, किस हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की। और एक्चुअली क्या होता है, ये जो गोइटर है ना, गोइटर ये हमारे नेक रीजन में रहता है, बटरफ्लाई ग्लैंड बोलते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की इरेक्शन के लिए। किसी में कमी हो जाए, आज के टाइम में ना थायरोक्सिन की टैबलेट मिलती है मार्केट में, कैसे मिलती है क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता है, उस थायरोक्सिन के अंदर है आयोडीन, और आयोडीन क्या है, हैलोजन। आयोडीन क्या है, हैलोजन, मतलब थायरोक्सिन के अंदर क्या है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिसीज हो जाता है गोइटर। कौन सा डिसीज हो जाता है, गोइटर। मतलब अगर ऐसे बहुत सारे डिसीज़ है, ये तो आपके एग्जांपल है कि भाई देखो इतनी बड़ी यूज़फुल है, आप जो पढ़ रहे हो छोटी मोटी केमिस्ट्री नहीं है, हाई लेवल की केमिस्ट्री है वो। इसी तरीके से बच्चे मलेरिया को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन रहती है क्लोरोक्विन, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे लिख रखा है हाइड्रोक्सा क्लोरोक्विन। अब इसके अंदर नाम से पता लग रहा है क्लोरो, क्लोरो मतलब इसके अंदर कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन। तो ये किसके लिए ठीक होती है, मलेरिया फीवर को यूज़ करने के लिए। इसमें क्लोरीन भी रहता है और फ्लोरीन भी रहता है, और ये दोनों के दोनों क्या है, हैलोजन। अब मान लो कुछ एक होता है हेक्साक्लोरोइथेन, एनेस्थेटिक एजेंट, पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है। आप ये वर्ड पढ़ोगे ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती है जहाँ पे मान लो ब्लड नहीं मिल पा रहा तो कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जिनमें फ्लोरिन डाल दिया जाता है, वो ब्लड का काम करते हैं कुछ टाइम के लिए, उनको बोलते हैं ब्लड सब्स्टिट्यूट। तो पेपर में कौन सा हैलोजन होता है, बोलोगे फ्लोरिन होता है। कौन सा हैलोजन होता है, फ्लोरीन होता है। इसके अलावा हैलोजन सिर्फ यहीं यूज़ नहीं होते, हैलोजन्स का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत सारे, हमारे ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह एग्रीकल्चर में भी इनका यूज़ है, और बहुत सारे रिएक्शन में ये हेल्प कर रहे हैं। मेन यूज़ इसका क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने मलेरिया पढ़ लिया, टाइफाइड पढ़ लिया, गोइटर थायरोक्सिन हार्मोन है, उसमें आयोडीन है। एनेस्थेटिक एजेंट के लिए तो एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर भी ये काम यूज़ करते हैं, और ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैलोजन्स कंपाउंड, हैलोअल्केन्स, नाम था हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन। देखो हैलो का मतलब तो आपको पता लग गया हैलोजन है, आप कहोगे अल्केन क्या होता है, अल्केन का मतलब होता है जब कार्बन की सिंगल चैन हो और सिंगल बॉन्ड हो, अल्केन। फिर कहोगे एरीन क्या होता है, एरीन का मतलब होता है बच्चे जब वो एरोमेटिक चैन हो, जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक चैन है ना, बंद क्लोज चैन है, साथ में डबल सिंगल डबल बॉन्ड रहेंगे। तो यहाँ पे खाली हम सिंगल चैन नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्लोज चैन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारे केमिकल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पे कार्बन भी होएगे, हैलोजन्स भी होएगे, रिंग भी होएगी, डबल सिंगल बॉन्ड्स भी होएगे। दिस इज़ अबाउट द, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इतने सारे यूज़ है, इतनों की लाइफ सेव हुई है इन मेडिसिन से, तो इसलिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट है।